किया था सिलेंडर के बारे में। हमने सिलेंडर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था। हमने सिलेंडर के कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में भी हमने बात करा था। जैसे हमने बताया था आपको कि भाई वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, सीएसए कितना होता है सिलेंडर का, टीएसए कितना होता है सिलेंडर का, वो हमने बात करा था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिलेंडर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चंस होगा, यानी जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होगा, वो परसेंटेज पर बेस्ड होगा। यानी आप बोल सकते हो कि आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में या परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो रिलेटेड होंगे सिलेंडर से, ठीक है। देखिए, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी भी कर रखे हैं। जैसे हमने क्यूब के क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है, जो परसेंटेज बेस्ड थे। हमने क्यूबॉइड के भी क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर की। यानी वैसे क्वेश्चंस जो परसेंटेज बेस्ड तो हैं, लेकिन किससे रिलेटेड है, सिलेंडर से रिलेटेड है। आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली पांच तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज बेस्ड में आपसे जो है, मतलब वैसे प्रश्न जो परसेंटेज पर आधारित होते हैं और सिलेंडर से संबंधित होते हैं, तो मुख्यतः जो है, मेनली जो है, आपके पांच तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए वो क्या क्या। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आपके पास एक सिलेंडर गिवन है ना, आपके पास जो है एक सिलेंडर गिवन है, ये इसका मान लो कि रेडियस हो गया, ये इसका हो गया हाइट, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा कि भाई आप जो है रेडियस जो है आपका, रेडियस में आप रेडियस का जो है उसमें x परसेंट चेंज कर दिया गया है ना, रेडियस में क्या किया गया, x परसेंट चेंज कर दिया गया है। और लेकिन जो हाइट है आपका, उसमें वो कोई चेंज नहीं किया गया, यानी हाइट रिमेन अनचेंज्ड। तो आपसे पूछा जाएगा भाई वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आया, ये आपसे पूछा जाएगा। ये भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाई आपका जो रेडियस है उसको कांस्टेंट रख दिया गया, यानी रेडियस जो है आपका वो अनचेंज्ड है, ठीक है, लेकिन हाइट में जो है आपका एक्स परसेंट या हाइट में कुछ ना कुछ परसेंट क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आया, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई रेडियस में एक्स परसेंट का चेंज आया, जो आपका हाइट है उसमें y परसेंट का चेंज आया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ओवरऑल वॉल्यूम में कितना चेंज आया, ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई आपका जो रेडियस है उसमें x परसेंट का चेंज आया और जो आपका हाइट है उसमें भी उतना ही चेंज किया गया, यानी x परसेंट अगर रेडियस में चेंज किया गया है तो हाइट भी आपका उतना ही परसेंट चेंज किया गया, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो इस तरह के जो प्रश्न है आपके पेपर में आ सकते हैं या आपके प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इस तरह के प्रश्न है उसको हम लोग पहले उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिप के थ्रू देखेंगे, फिर उसका हम लोग डेरिवेशन भी करके आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लिया जाए केस की, मान लीजिए किस वन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। किस वन क्या समझिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। ये आपने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ऑल ओके। अच्छा, हमको पता है ऑलरेडी कि सिलेंडर है तो इसका ये वाला पोर्शन होता है रेडियस, ठीक है, और ये वाला पोर्शन होता है आपका हाइट, ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि भाई वॉल्यूम क्या होता है ना, हमने आपको पिछले क्लासेस में अच्छे तरीके से वॉल्यूम के बारे में बताया है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई, कि जो बाउंड्रीज है, बाउंड्री जितना स्पेस कंटेन करता है ना, या आप उसको ऐसे बोलो स्पेस विद इन बाउंड्रीज, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। स्पेस ये आपका हो, क्या हो गया आपका, हो गया ये बाउंड्री हो गया ना, ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, बाउंड्री। तो इस बाउंड्री में कितना स्पेस है ना, तो ये जो बाउंड्री है आपका कितना स्पेस कंटेन कर रहा है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो ऑब्वियस है कि जब डायमेंशन चेंज होगा, डायमेंशन चेंज यानी जो आपका जो ये जो है आपका, यानी ये जो आपका बाउंड्री है ना, ये जो आपका बाउंड्री है, तो अगर बाउंड्री में चेंज आएगा तो ऑब्वियस है कि आपका वॉल्यूम भी क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना, आपके वॉल्यूम भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए सरफेस एरिया में भी चेंजेस आएंगे, लेकिन हम लोग सरफेस एरिया अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे आज की क्लास में, हम लोग केवल वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर बाउंड्री में चेंज करोगे आप, यानी बाउंड्री यानी क्या चाहिए, यहाँ तो भाई रेडियस और हाइट है ना, तो अगर रेडियस और हाइट में आप चेंज करोगे तो ऑब्वियस है कि आपका वॉल्यूम क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि अगर चेंज हो रहा है तो कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो किस वन लेते हैं,
केस वन में क्या है आपका कि जो रेडियस है आपका है ना, जो आर है उसको रिमेन अनचेंज्ड, यानी उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, जो रेडियस है आपका उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, यानी रेडियस रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, लेकिन जो हाइट है आपका, ठीक है, हाइट जो है उसमें चेंज किया गया है एक्स परसेंट का। ठीक है, अब देखिए चेंज कुछ भी हो सकता है आपका, बढ़ोतरी भी हो सकता है यानी इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो अगर इंक्रीमेंट होगा तो प्लस लेंगे, ठीक है, अगर डिक्रीमेंट होगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या एक सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है उसमें उसको एज इज रखा गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, यानी ये जो रेडियस है आपका, ये रेडियस आपका कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो हाइट है आपका, ये जो हाइट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, मतलब हाइट में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और हाइट में कितना चेंज किया गया है, एक्स परसेंट का चेंज किया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब हाइट बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम भी ऑब्वियस है कि वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना भाई। अब इसमें ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है कि नहीं, तो वही हमको पता करना है कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो आपको याद रख लेना है कि अगर रेडियस आपका रिमेन अनचेंज और हाइट में अगर आपका एक्स परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है ना, हाइट में क्या और आपका एक्स परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो भी एक्स परसेंट का ही चेंज आएगा। ठीक है, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो भी आपका एक्स परसेंट का ही चेंज आएगा, यानी जितना हाइट में आपने चेंज किया था, यानी जितना हाइट में चेंज हुआ था उतना ही चेंज आपका वॉल्यूम में भी होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका जो हाइट है वो 5% बढ़ाया गया है। ठीक है, हाइट जो आपका 5% बढ़ाया गया है, लेकिन जो रेडियस है उसमें उसको कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, तो फिक्स है आपके जो वॉल्यूम आएगा उसमें भी आपका 5% का ही क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, ये तो सिंपल सा ट्रिक हो गया। ठीक है, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अब बात आती है कि ट्रिक आया कहां से, यानी जो ये जो तरीका हमने आपको बताया ये आया कहां से, यानी इसका डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो वो भी हम आपको करके दिखाते हैं कि भाई ये कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट कैसे लाया गया, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक सिलेंडर था, है ना, ये हमारे पास था एक सिलेंडर था। ठीक है, तो ये इसका रेडियस था और ये इसका क्या था, हाइट था। ठीक है, तो ये हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, आपको पता है कि भाई वॉल्यूम कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऑल ओके, अच्छा अभी देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि भाई इसका जो हाइट है इसमें चेंज किया गया, यानी एक्स परसेंट का इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे न्यू रेडियस लिखते हैं, आपको यहाँ पे समझाने के लिए हम यहाँ पे न्यू रेडियस, तो न्यू रेडियस हमारा क्या होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया गया तो वही के वही रह जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हाइट, हाइट तो हमारा चेंज हुआ है ना, हाइट में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की गई है, जो हाइट है आपका यहाँ पे हाइट में एक्स परसेंट की बढ़ोतरी की गई है, यानी एक्स परसेंट चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज यानी हम लोग मान के चल रहे हैं पॉजिटिव चेंज हुआ है। ठीक है, यानी एच तो हो गया, एच प्लस एक्स परसेंट ऑफ एच। ऑल ओके, यानी ये एक्स परसेंट चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ है, तो चेंज होने पर ऑब्वियस नहीं उसका हाइट बढ़ जाएगा, यानी एच प्लस क्या, एक्स परसेंट ऑफ एच। ठीक है, अच्छा तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यानी एच तो एच है हमारे पास, एक्स परसेंट यानी एक्स बाई 100 हो गया, इंटू क्या हो गया आपका एच हो गया, यहाँ से आप एच कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो गया 1 + x/100, तो ये हो गया आपका नया वाला एच। ठीक है, ये नया वाला एच हो गया, आप लिख देते शॉर्ट साइड में एच न्यू। ठीक है, अब इसका भी आप वॉल्यूम निकालोगे, यानी नया वाला वॉल्यूम आप निकालोगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, है ना। अब यहाँ पे जो नया वाला एच है वो आप रखोगे, तो एच टाइम्स 1 + x/100 हो गया। ऑल ओके, तो ये हमारा आया नया वाला वॉल्यूम और ये हमारा है पुराना वाला वॉल्यूम। ऑल ओके, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आया है ना, तो कितना चेंज आया। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हमको डेल्टा वी फाइंड आउट करना है, यानी नए वॉल्यूम में से, ये जो नया वॉल्यूम में से हम लोग क्या करेंगे, पुराने वाले वॉल्यूम को घटाएंगे, तभी ना हमको पता चलेगा भाई कितना चेंज आया है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, इसमें से इसको हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन निकल जाएगा ना, तो कॉमन निकाल लो आप यहाँ पे, यानी हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा, यानी 1 + x/100 बचा, है ना, और ये तो कॉमन निकल चुका, यानी -1 बचा, तो ये हमारा 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, यानी इतना चेंज आया। ठीक है, इतना क्या आया, चेंज आया, लेकिन हमको करना कि हमको परसेंट चेंज निकालना है, भाई कितना परसेंट चेंज आया है वॉल्यूम में। ठीक है, कब, जब रेडियस को रिमेन अनचेंज, यानी रेडियस में कोई चेंज नहीं किया गया है जब, लेकिन जो हाइट है उसमें एक्स परसेंट की बढ़ोतरी की गई है तब। ठीक है, अच्छा तो हमने चेंज निकाल दिया, कैसे पता करेंगे हम लोग, तो भाई जितना चेंज हुआ यानी डेल्टा वी अपॉन जो ओरिजिनल वी था, है ना, क्योंकि जो चेंज हुआ है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, ओरिजिनल वाले के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है कि नहीं, जो भी चेंज होता है तो ओरिजिनल वाले के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, इनटू व्हाट, 100।
ठीक है। तो डेल्टा भी अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है आपका डेल्टा भी है पाई आर स्क्वायर एच है ना, इंटू क्या है आपके पास एक्स बाई हंड्रेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो कट गया था ना वन वन, नीचे में क्या आपका ओरिजिनल भी, तो ओरिजिनल भी आपको पता है कि भाई कितना था पाई आर स्क्वायर एच था है ना, इंटू क्या आपके पास हंड्रेड है, तो ये वाला पूरा पोर्शन कट गया है ना, ये पूरा पोर्शन में क्या क्या कट गया, बचा क्या एक्स परसेंट है ना, यानी आपका जो वॉल्यूम में जो चेंज आया उतना ही चेंज आया जितना कि हाइट में चेंज हुआ था, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है कि भाई अगर आपका हाइट में चेंज किया जाता है, यानी हाइट में अगर एक्स परसेंट की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, या हाइट में अगर एक्स परसेंट का चेंज किया जाता है तो जो वॉल्यूम है उसमें भी उतना ही चेंज आएगा, यानी एक्स परसेंट का ही चेंज आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इस पे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई मान लो कि बोला जाएगा कि आपसे रेडियस है उसको कॉन्स्टेंट रखा गया, यानी रेडियस में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका हाइट है उसमें 10% या 20% की जो भी किया गया बढ़ोतरी किया गया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी किया गया है ना, तो आपका वॉल्यूम में कितना चेंज आया, यानी वॉल्यूम कितना परसेंट आपका चेंज हुआ है ना, तो वो आप बताना है। तो सिंपल सी बात, जितना हाइट में चेंज हुआ था उतना ही आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए एक तो ये केस हो गया, अब देखिए केस टू की बात करते हैं थोड़ा। अब केस टू क्या है कि इस बार जो है हाइट को कॉन्स्टेंट रख दिया गया है ना, इस बार जो है आपका जो हाइट है, यानी जो आपका हाइट है वो रिमेन अनचेंज्ड है, यानी हाइट को एज इट इज रख दिया गया है, ऑल ओके। लेकिन जो रेडियस है इसमें चेंज कर दिया गया, यानी इस बार जो है आपका रेडियस में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई अब बताओ आपकी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पीछे वाले केस को डिराइव करके दिखाया था, यानी केस वन को हमने डिराइव करके दिखाया था, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी डिराइव करके दिखा सकते हैं, यानी आपको हम दिखाते भी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। यानी रिजल्ट किसका रिजल्ट, तो अगर आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें जो हाइट है आपका उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी हाइट जो है आपका रिमेन अनचेंज्ड है, ठीक है, लेकिन जो रेडियस है उसमें मान लो कि एक्स परसेंट क्या किया गया है, चेंज किया गया है, ठीक है, एक्स परसेंट चेंज किया गया है, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा, तो आपको याद रख लेना है, यानी जो वॉल्यूम परसेंट होगा, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट होगा 2x प्लस x स्क्वायर बाई 100, ये बात आपने ध्यान रखना है, इतना परसेंट क्या आएगा, चेंज आएगा, फिर से 2x प्लस x स्क्वायर, ये x है आपका, x स्क्वायर बाई 100 परसेंट क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रख लेना है, ये कब एक्सप्रेशन आपने यूज करना है, जब आपका जो हाइट है वो एज इट इज रहेगा, यानी हाइट में कोई चेंज नहीं किया रहेगा, लेकिन रेडियस में आपका x परसेंट चेंज होगा या किया गया होगा, तब जो है वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यानी कितना परसेंट चेंज होगा, तो वो आपको रट लेना है, दैट इज 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अच्छा, इस पे हम क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो रेडियस है, ठीक है, मान लो कि आपका रेडियस है उसमें 10% रेडियस बढ़ा दिया गया है, ठीक है, रेडियस आपका 10% बढ़ा दिया गया है, और आपसे पूछा जाएगा, और हाइट आपका एज इट इज है, यानी हाइट रिमेन अनचेंज्ड है, तो आपसे पूछा जाएगा भाई वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है, कितना परसेंट वॉल्यूम चेंज होगा, तो कुछ नहीं करना, एक्स के जगह पे आपने 10 रख देना है ना, यानी कितना हो गया, एक्स के जगह पे 10 रखोगे तो कितना हो गया, 2 × 10 यानी 20 हो गया है ना, 10 रखोगे तो कितना 20 हो गया, ये 10 का स्क्वायर करोगे यानी कितना हो गया 100 हो गया है ना, ये कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है, नीचे में भी कितना आपका 100 है, ऑल ओके ना, तो ये आपका 100 और 100 कैंसिल हो गया, है कि नहीं, 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा यहाँ 20 और यहाँ पे 1, यानी भाई आपका वॉल्यूम में 21% का चेंज आएगा, और वॉल्यूम में 21% का चेंज कब होगा, जब रेडियस में 10% का चेंज आएगा। तो ये सिंपल सा आपको एक्सप्रेशन याद रख लेना है, दैट इज 2x प्लस x स्क्वायर बाई 100, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये आया कहां से, है ना, ये डेरिवेशन जो है, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन है वो आया कहां से, यानी इसको हम लोग डिराइव करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल ओके, सिलेंडर हो गया, ये इसका क्या हो गया रेडियस हो गया, और ये इसका क्या हो गया हाइट हो गया, ठीक है। तो इस बार जो हमारा हाइट हमारा है वो एज इट इज है, यानी रेडियस में चेंज किया गया इस बार, तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल वॉल्यूम लिख लेते हैं, भाई ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा कितना है पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच, नया वाला रेडियस है ना, नया वाला रेडियस कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिखते हैं आपको हम शॉर्ट में न्यू, ठीक है, न्यू रेडियस, तो न्यू रेडियस कितना होगा आपका, मान लो कि एक्स परसेंट चेंज किया गया, यानी आर प्लस है ना, आर प्लस एक्स परसेंट ऑफ आर, ठीक है, तो ये हो गया r आपका, और x परसेंट यानी कितना हो गया x बाई 100 इंटू व्हाट r हो गया, तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो, यानी जो नया वाला r निकला आपका, ये जो आपका नया वाला जो r निकला, यहाँ से आप r कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा आपके पास, बच जाएगा 1 प्लस x बाई ये 100 हो गया, ऑल ओके। अच्छा, हाइट तो आपके पास एज इट इज था, है ना, तो मान लो कि हाइट जो है आपका वही है एज इट इज h,
तो यहां से भी आप क्या करोगे, नया वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया है ना, आर स्क्वायर यानी आपने इसका स्क्वायर करना है, यानी आर स्क्वायर तो हो गया लेकिन इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, यानी क्या होगा 1 + x / 100 का स्क्वायर हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर एच, एच तो एच लगा दो, ठीक है ये हो गया हमारा नया वाला वॉल्यूम। और ओके अच्छा अब हमने क्या करना है, पुराना वाला वॉल्यूम हमको पता है कि भाई पाई आर स्क्वायर एच है, हमको पता करना है कि कितना चेंज आया वॉल्यूम में, है ना, तो हमको डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भाई जो नया वाला है यानी बढ़ा हुआ है ना, तो उसमें से क्या करेंगे पुराना वाला घटा देंगे, है ना। तो ये देखो पाई आर स्क्वायर एच है यहाँ भी, और यहाँ भी क्या आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 1 + x / 100 का होल स्क्वायर -1 और लोग यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या करना है भाई, पता करना है कितना परसेंट चेंज हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं तुलना करते हैं ना ओरिजिनल वाले से, हम लोग क्या करेंगे ओरिजिनल वाले से क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, डेल्टा वी तो कैलकुलेट कर लिया, अब देखो अब क्या करना हमको, डेल्टा वी बाई वी इंटू वॉट 100, है ना। तो चेंज इन कितना निकाला आपने, वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, तो वो लिख दो आप यहाँ पे, यानी पाई आर स्क्वायर एच तो हो गया, है ना, टाइम्स 1 + x / 100 का स्क्वायर हो गया, -1 है, और नीचे में कितना आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम आपको पता है कि भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, इंटू क्या यहाँ पे आपका 100 है, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। अब ये वाला पोर्शन बच गया, है कि नहीं, क्या बच गया आपके पास 1 + x / 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, देखो ये इसको आप ए मान लो, इसको मान लो बी मान लो, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो इसको आप, ये ए हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, यानी 100 पे हो जाएगा, एक पे हो जाएगा 40, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, यानी 2 × 1 × x / क्या हो गया 100, माइनस क्या है आपके पास 1 है, और इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, और ओके यहाँ तक, ठीक है। ये देखो ये x और ये x क्या हो गया, सॉरी ये 1, सॉरी नॉट x आपका, ये 1 और ये जो 1 है आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना, ये 1 और 1 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया ये वाला पोर्शन, यानी एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे बच गया एक पे 40 है, और यहाँ पे 2x / क्या है 100 है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अब हम यहाँ से जो है यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है एलसीएम, तो एलसीएम में कितना आएगा, एक पर कितना जीरो आ जाएगा, ये 40 आ गया, है ना। तो ऊपर तो हो गया एक्स स्क्वायर आपका, है ना, और नीचे में कितना हो जाएगा 200, है ना, 200x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इनटू हमारे पास अभी कितना है 100 है, और लोके ना, तो ये देखो ये 100 मतलब ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, ये 20 और ये 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, ठीक है, हम थोड़ा यहाँ से ऊपर से इरेज करते हैं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो आप यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस 200x, है ना, अपॉन क्या हमारे पास है 100, है ना। इतना परसेंट क्या आया, चेंज आया किसमें, वॉल्यूम में चेंज आया, और कब चेंज आया, जब रेडियस को x परसेंट बढ़ाया गया था, ठीक है, लेकिन हाइट हमारा रिमेन अनचेंज था, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर बाई 100 हो गया, है ना, और प्लस क्या हो गया 200x अपॉन क्या हो गया 100 हो गया, है ना। तो ये जो है आपका इतना परसेंट, यानी ये 20 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, बच गया 2x + x² / 100%, यानी आपको ये एक्सप्रेशन जो है आपको याद रख लेना है, आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रख लेना है कि अगर रेडियस जो है आपका उसमें x परसेंट की बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो हाइट हमारा है अगर वो रिमेन अनचेंज रहता है, यानी हाइट में किसी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो आपको याद रख लेना है, आप इस फॉर्मूला के थ्रू, इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो होगी दो बातें कि भाई रेडियस में चेंज करोगे तो क्या होगा, ठीक है, और हाइट रेडियस में चेंज करो और हाइट को आप कांस्टेंट रख दो, और फर्स्ट केस क्या था हमारा कि हाइट को चेंज करो और रेडियस को कांस्टेंट रख दो, है कि नहीं। अच्छा अब बात आती है थर्ड केस, तीसरा केस क्या है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब जो है इस बार आपका जो है रेडियस में भी चेंज किया गया है और हाइट में भी चेंज किया गया, यानी मान लो कि रेडियस में आपका एक्स परसेंट चेंज किया गया है और जो आपका हाइट है उसमें आपका जो है वाई परसेंट क्या किया गया है, चेंज किया गया। ओके तो ऑब्वियस है कि जब आपका डायमेंशन चेंज होगा, है ना, जब आपका डायमेंशन चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज आएगा, एरिया भी चेंज आएगा। तो लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग केवल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो इस बार केस थ्री क्या है कि भाई दोनों में चेंज हुआ है, रेडियस में भी चेंज हुआ है एक्स परसेंट का और जो आपका हाइट है इसमें भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है कितने का, वाई परसेंट का चेंज हुआ है, और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाई वॉल्यूम में कितना चेंज होगा,
ठीक है, तो वो आप जो है जैसे अभी हमने दो एक्सप्रेशन को ड्राइव करके दिखाया, तो इसको भी आप उसी प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन याद रख लेना है, ठीक है, कि भाई कितना परसेंट वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। वो एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज सबसे पहले क्या करना, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2x, ठीक है, प्लस वाई कर लेना आपको, ठीक है, 2x प्लस वाई, ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 100 कर लेना है, ठीक है, और प्लस जो है आपका एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 100 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो है ना पता कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि भाई अगर रेडियस में एक्स परसेंट का चेंज हो रहा है, हाइट में वाई परसेंट का चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज होगा। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक्सप्रेशन याद रख लेना है, वो एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज 2x प्लस वाई, ठीक है, आपको याद रख लेना है, 2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ये जो है एक्सप्रेशन आपको याद रख लेना है, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, जैसे अभी तक हमने पिछले दो एक्सप्रेशन को डिराइव किया है, आप इसको भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बस याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिलेंडर हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल ओके। अच्छा, ये इसका रेडियस है और ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। देखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि भाई अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप प्लस लोगे, ठीक है, यानी अगर बढ़ोतरी हो रही तो आपको प्लस लेना है, अगर घटेगा, ठीक है, तब आपको माइनस लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो 4% घट गया है, ठीक है, रेडियस जो है उसका 4% घट गया है, और जो हाइट है उसका, मान लेते कि वो जो हाइट है उसका वो 2% बढ़ गया है, ठीक है। तो जब ऑब्वियस है कि जब डायमेंशन में चेंज आएगा तो वॉल्यूम भी चेंज आएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको आपने क्या मान लेना, एक्स मान लेना, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -4 ना, और इसको आपने वाई मान लेना, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2, एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या कर देना है, फॉर्मूला पर रख देना है, फॉर्मूला क्या आपका, तो फॉर्मूला को याद होना चाहिए, 2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 100, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 100 का स्क्वायर। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो आप जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कम से कम समय में आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह के प्रश्न को आप हल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -4 है, और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 2, तो आप यहाँ पे आपने जो है वैल्यू रख देनी है, तो इसकी जगह पे आप क्या रख दो, 2 रख दो आप, है ना, सॉरी, एक्स के जगह पे 2 नहीं, एक्स आपका -4 है, तो यहाँ पे -4 हो गया, यानी 2 × -4 हो गया, है ना। प्लस क्या है, वाई है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रख दो आप यहाँ पे, है ना। फिर क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर आप यहाँ पर रख दो, प्लस 2xy, तो 2 × x, एक्स कितना है, -4 है, × y, y कितना है, 2 है ना, अपॉन क्या आपका 100, तो 100 रख दो, ऑल ओके ना। प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, यानी इसका स्क्वायर करोगे, यानी -4 का स्क्वायर करोगे, देन यू गेट 16, है ना। वाई है, तो वाई यानी 2 रख दो, यानी और यहाँ पे कितना है, 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 100 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। और आप उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है, हम आपको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं, ठीक है, भाई कितना आएगा सॉल्व करने पर। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, आपने जो है इस एक्सप्रेशन को याद रख लेना है और आपने वैल्यू रख देनी है, ठीक है, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि भाई वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये कितना हो गया, -8 हो गया, और ये हो गया +2, तो -8 और +2 कितना हो गया, -6 हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दो -6, ऑल ओके, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, है ना, यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन केवल, तो ये कितना आपके पास 32 है, यानी 32, है ना, प्लस बच जाएगा आपके पास 32/100 का स्क्वायर, ये आपके पास बच जाएगा, यानी इतना परसेंट जो है आपका चेंज आएगा, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे सिंपल सा हमने वैल्यू रख दिया, देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था आपका स्क्वायर था, यानी -4 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया, 16, है ना, और यहाँ पे आप करो तो ये हो गया -16, तो ये +16 और -16 पूरा क्या हो गया, कट गया, यानी पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो ये ना पोर्शन बच गया आपके पास, क्या बच गया, -6 बच गया, और ये वाला पूरा पोर्शन आपके पास बच गया, है ना। अच्छा, ये -6 है, इसको आप क्या करो, डेसिमल में एक्सप्रेस कर दो, ठीक है, तो डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे तो कितना हो जाएगा आपको, इसको आप कर सकते हो 0.0032,
है ना। अब इसको आप क्या कर दो, सिंपली माइनस कर दो, है ना, यानी इतना में से आपको 6 घटा देना है, तो आपको मिल जाएगा लगभग, आपको मिल जाएगा -5.99%, यानी आपका जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है ना, ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि भाई वॉल्यूम जो है आपका इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी देखिए केस फोर की बात करते हैं। केस फोर क्या है कि देखिए, अभी केस थ्री में क्या था आपका कि भाई आपका जो रेडियस है उसमें एक्स परसेंट का चेंज हुआ था और हाइट में वाई परसेंट का चेंज हुआ था, यानी अलग अलग चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये भी तो संभावना है कि भाई दोनों में सेम चेंज हो। ठीक है, दोनों में क्या हो, सेम चेंज हो। तो मान लेते हैं कि जो रेडियस है उसमें आपका एक्स परसेंट का चेंज हुआ है और जो आपका हाइट है इसमें भी आपका, इसको एक्स ही मान लेते हैं कि भाई इसमें भी जो आपका एक्स परसेंट का ही क्या हुआ, चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो चेंज हुआ है तो ऑब्वियस है कि भाई इसके वॉल्यूम भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो हमको पता करना है कि भाई इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आपने याद रख लेना है। ठीक है, दैट इज 1 + x। भाई देखिए, अगर प्लस बढ़ेगा तो प्लस का यूज करना है, अगर घटेगा तो माइनस का यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में लिख देते हैं आपके, यानी 1 या प्लस के साथ माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, 1 + x/100। ठीक है, 1 + x/100 का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब -1। ठीक है, -1 × 100, ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है। यानी इसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि अगर आपका जो रेडियस है और हाइट है अगर उसमें सेम चेंज हुआ है, यानी सेम अमाउंट को उसमें चेंज किया गया है, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा, यानी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, सिंपल तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रख लेना, दैट इज 1 + x/100 का होल क्यूब -1 × 100। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में रेडियस और हाइट जो है उसका 100% दोनों में चेंज कर दिया गया। ठीक है, 100%। तो ये हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये इसका रेडियस है और ये इसका हो गया हाइट। ठीक है, रेडियस और हो गया हाइट, तो इसके रेडियस और हाइट में 100% बढ़ोतरी की गई, 100% इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, यानी क्लियर है कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 100 होगी। हमने करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है केवल। ठीक है, चलिए रख देते हैं, यानी 1 + क्या हो गया आपके पास, 100 हो गया x की वैल्यू, अपॉन क्या हो गया, 100 हो गया। और ओके ना, इसका क्या है, क्यूब है ना, फिर क्या है, -1 है। ठीक है, इंटू कितना आपके पास, 100 है। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। और ये जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 हो गया, है ना, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ऑल ओके यहाँ तक, अच्छा ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 1 हो गया, कैंसिल, ये 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, और -1 तो है ना यहाँ पे, इंटू कितना, 100, यानी 8 में से 1 गया 7, यानी आपका 7 में 100 से गुना करोगे यानी कितना, 700, यानी जो है आपका 700%, यानी वॉल्यूम में जो है आपका 700% का क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, वॉल्यूम में जो है आपका 700% का क्या आएगा, चेंज आएगा।